रेडी है उड़ने के लिए। यासर भाई शॉट ले रहे हैं। ब्रोगिल वैली के लिए हम निकल चुके हैं। चलें जी, स्टार्ट हो गया। ये क्या नज़र भी नहीं आया। गाड़ी पे लोड की जो सूरत हाल है, आप ये देख सकते हैं कि पानी के पट्टे भी सीधे हुए हैं इस वक्त। आए अभी हम 3 बंदे उतरे हैं। ये देखो। अच्छा जी, क्या हुआ? फ्यूल अप कर रहे हैं गाड़ियों को। ये उधर गिर रहा था लेकिन डीजल डाल लिया उस गाड़ी में। डीजल डाल लिया मलक साहब। ये नज़ीर साहब का अपना जरी कह रहे साहब टोटली लीक है, यानी कि अच्छा टोटली लीक है। जो बंदे पीछे बैठे हुए थे जिन्होंने इसको रखा हुआ था वो कह रहे हैं हमारी तबीयत खराब हो चुकी है, तो लिहाजा बस उस्ताद आए नहीं, उस्तादों ने अपनी निशानी दी। और वो भी साहब हमारी तरफ से पैगाम है, टूल जो है वो एक पे रखने चाहिए। ये सारा डलना तो नहीं है, कोई बात फिर भी जाना है। वो ऐसा सारी पैसे बरकरार है। उमर भाई ये ऐसे क्यों उठाया हुआ है? ये जी इसका फ्लो मेंटेन करने के लिए तो छत पे रख देना था। छत पे वो इधर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ से पाइप नहीं पहुँच रहा था उस साइड पे। क्या आप क्या कह रहे हो यार? ये इतने अच्छी बिस्किट खा रहे हो, बंदा पूछ ही लेता है किसी को। अंदर आई नहीं कुछ, अफसोस। आपको अंकल मैं नया ला के देता हूँ। ये चीज़ ऐसे ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं ना। गुड हो गया जी, हमें चॉकलेट चिप कुकीज़ मिल गए। साहब आप नहीं गिरना है। और भी कहा हुआ है बेहतरीन है जी। जी तो नाजरीन, लश्कर गाज के रास्ते में हमारी एक गाड़ी का फैन जो है वो टूट गया अनएक्सपेक्टेडली, और जैसा कि आपको पता है टीम एफर्ट इस वक्त सब जुड़ गए हैं और ये हमारे अफ्रीका से स्पेशल बुलाए गए उस्ताद, इनका फैन अभी करेंगे। तो राना भाई, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है जो अफ्रीका से हमने बंदा बरामद किया, ये इस चीज़ को ठीक कर लेगा या नहीं करेगा? गारंटी मुझे तसल्ली है, मेरी तरफ से तो फिर ना ही समझे, फिर मेरी तरफ से भी ना ही समझे। एनीवेज जी, अभी इंशाल्लाह कितना, आधे घंटे का काम है, घंटा लगेगा, ये होता है। मीनवाइल हम लोग ड्रोन के भी शॉर्ट्स ले लेते हैं, वैली बहुत खूबसूरत है। तो स्टे ट्यून, आपको फिर लश्कर गाज पहुंच के भी अपडेट देते हैं। यहाँ खड़े खड़े हमने एक झील दरियाफ्त कर ली है। किसने दरियाफ्त की? ये जनाब ने। हम नहीं कहते थे। नहीं, हमने। झील का नाम क्या है? झील का नाम अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। फोबिक झील। ये इन पहाड़ों की बैक साइड पे अभी हमने ड्रोन उड़ाया और हमने एक नई झील डिस्कवर की है। हमने दो ड्रोन उड़ाए थे, जिनमें से एक ड्रोन जो है वो तेज़ हवा की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है, शायद आगे कहीं उसने लैंडिंग की है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे उसकी तरफ, उसको ढूंढने। जीपीएस में वो डायरेक्शन अपनी बता रहा है, तो अभी हम जो है वो आगे उसी की तरफ जा रहे हैं, होपफुली मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए मिशन ड्रोन, आज हमने ड्रोन को गिराया तो नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हुआ है और उसके बाद उसने ऑटो लैंडिंग की है। अब हम जीपीएस की मदद से आए हैं और अब हम करीब तीन जगह ये बता रहे हैं। अभी जो है वो थोड़ी सी हाइकिंग करनी है, नज़दीकी है लेकिन थोड़ा हाइकिंग करके जाना पड़ेगा, उस पर ढूंढते हैं, होपफुली मिल जाए वो। अभी है डायरेक्शन बता रहे हैं, सही जा रहे हैं बिल्कुल। और उसका कलर भी पत्थरों से मैच कर रहा है और उसको जो है वो करीब होके भी ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसका कलर और पत्थरों का कलर एक जैसा है। फादर इसमें कोई बीप वाला सिस्टम भी होता है कि बंदा? अच्छा लेकिन उसका कलर ग्रे और पत्थर भी ग्रे। मिल गया जी। क्या बात है सर, बैटरी जक्ट हुई है इसकी, बैटरी जक्ट हुई है और ये गिरा है। यार ये चीजें चलती रहती हैं। हैं अपने सामने इसको बैटरी जैक्ट है। अब बैटरी ढूंढनी है तो चलो, ये बैटरी का मिशन है। हाँ में कोई चीज हिट करे तो इधर हिट होने के बाद नहीं, जो इसने डिस्कनेक्ट किया है वो क्यों किया होगा? इधर गिरा हुआ था ये, मैंने याद करा तो बैटरी इसकी फिर इधर गिरी होगी नीचे। बैटरी इधर देखिए, बैटरी का साइज क्या बड़ा ही है, इतनी सी, इसी के कलर की। उसी कितना एक ये वो जाते जी। मिल गया जी, ड्रोन मिल गया। बैटरी नहीं मिली, ड्रोन मिल गया। गिम्बल शिम्बल टूट गया है थोड़ा, तो उसका पंखे का क्या हुआ किसी? तो अभी इसको रिपेयर करना है, उसके लिए हमने इस गाड़ी का पंखा जो है वो टूट चुका है, उस गाड़ी में से एक्स्ट्रा पंखा निकाल के इसमें फिट करना है, तब जाके हमारा कोई जुगाड़ बनेगा और हम रवां दवां अपने सफ़र पे होंगे। आखिरकार 11:15 बजे भूल भुलैया से घूम फिर के आज तो वो भूल भुलैया हुई है कि कुछ ना पूछे। थकी आवाम अब तो फ्रेश हो गए, हम पहुंच गए फ्रेश। हम तो सो के ये बताओ, 6 घंटे वाला कौन बता? शेरा क्या कर रहे हो भाईजान? ये अभी कुछ थोड़ा सा खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। एनीवे, वेलकम टू कोरंबर बेस कैंप। थैंक यू लश्कर गाज। प्लीज सर, आए शेख साहब, वेलकम टू बेस कैंप ऑफ कोरंबर लेक लश्कर गाज। प्लीज 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 सर, आप हमें वहीं देते हैं। हटेंगे ये आवाम सारी आज गोला पे घूम घूम के पहुंची है। हाँ जी, तो अभी हम करम्बर लेक का जो बेस कैंप है लश्कर गाज, वहाँ पे पहुँच गए हैं और खाना गर्म करने की ड्यूटी हमेशा की तरह जनाब यानी साहब, और ये हमारे एक न्यू मेंबर जो ऐड हुए भाई साहब, आपका नाम मुझे अभी तक नहीं है। उमर भाई जो है बीटा ब्रेड को गर्म कर रहे हैं। पहले इन्होंने सालन गर्म किया, हम आपको दिखाएं, हम लोग घर से बना के लाए थे। अभी ये लाइन में 2 बंदे लगे, अंदर बैठे हैं, अभी हम आपको बुलाएंगे बारी बारी। तरतीब हमने ये रखी हुई है कि यार 2 बंदों का कहा था, 4 इकट्ठे हो गए। नहीं, जैसे आप दोनों को अपनी मिलेगा इसके बाद। तरतीब हमने ये रखी कि 2 बंदों को हमने पेयर की सूरत में खाना गर्म करके दे रहे हैं। बाकी कुछ लाशें वहाँ पड़ी हैं, जिंदा लाशें, और आप शुक्र उठ गए तो बस ये आप चारों को हो गया, अब आपको और नहीं मिलेगा। एक मिनट इनकी रोटी दे दें, रोटी आ गया। गुड मॉर्निंग। लश्कर घास में सुबह हो चुकी है। इस जगह पर रात में हमारा स्टे था, सुल्तान किंग के पास, जो कि इधर एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। हिलाल भाई ओके, गुड मॉर्निंग हो गई है। ठीक है, कैसी रही रात आपकी? यार मज़ा आया। बाकी तो आप लोग रूम में थे, मैं और क्या साहब बाहर। ये जो थी ना जगह, इसमें सोए थे। एक तो आगे इसकी जाली लगी हुई थी, हवा थी, बड़ा मज़ा आया। ओए होए सुकून आया था। हम भी अंदर बेहतरीन ही रहे, बस ये था कि कुछ आवाम जो है वो खराटे मार। मैं इसलिए सबके साथ नहीं बैठा कि ये थकावट दी थी, मुझे सुकून चाहिए था। ये कि अच्छा रहा, नींद अच्छी आई और सुबह अर्ली मॉर्निंग देखने उठ गए। अभी ये हाँ 7:30 हो गए, हम दो अभी उठे हैं, बाकी सारी आवाम सो रही है। रश कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ये भी एक ग्लेशियर का पानी आ रहा है डायरेक्ट, जिससे इस वक्त हम लोगों ने पेस्ट की है। अभी शेव भी करेंगे, तो देखते हैं। लीडर जो है इस टाइम शेव कर रहे हैं सुबह ही सुबह। पता नहीं यहाँ पे क्यों ज़रूरी थी, मुझे नहीं समझ आती। इस ठंडे पानी में और बर्फीले इलाके में ग्लेशियर्स के ऊपर जनाब को शेव याद आ गई। मैंने कौन सा रोज़ करंबर जाना है यार, तस्वीरें अच्छी आ जाएंगी और क्या है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के शौक होते हैं जी। कोरम्बर जाना है, फ़ोटो सेशन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए जनाब हमें ना कोरम्बर के बेस कैंप के ऊपर लश्कर गाज पे जनाब शेव कर रहे हैं, वो भी ग्लेशियर के पानी से अर्ली मॉर्निंग। क्या बात है। दिस इज़ कोरम्बर इन, और ये हमारी गाड़ियाँ रात को जो पैर करिए से लश्कर घास तक पहुँची हैं। बहुत टफ ट्रैक था, रात का टाइम था, किसी जगह पे कोई निशान वगैरह नहीं था और उस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम आई है यहाँ पहुँचने में। लेकिन थैंक्स टू गूगल मैप, हमने वो ऑफलाइन मोड में हमने रखा हुआ था, जिसको देख के हम लोग चलते रहे और एट लास्ट हम लोग रात को यहाँ पे पहुँच गए थे। और अस्सलाम वालेकुम। और ये आपके व्यूज़ हैं लश्कर घास के, खूबसूरत जगह। और बाबर भाई एट लास्ट पहुंच जाए। ये अस्सलाम वालेकुम जवानों, क्या बात है, क्या बात। सर हम भी उठे हुए हैं। नहीं, हम लोगों के साथ रात को हुआ बहुत प्रैंक है। मुझे पता था। क्यों क्यों? कोई निशान नहीं है, रास्ते का पता ही नहीं, कितनी जगह पे हम घूमते रहे। हमें 1 घंटा 20 मिनट अभी लगाते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने लगे, बिस्मिल्लाह। हाइट है, हाइट पे गाड़ी थोड़ा तंग करती है स्टार्ट होने में। हाइट पे ऑक्सीजन कम होता है, सर्दी होती है, ठंड होता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ऑक्सीजन की वजह से भी फर्क पड़ती है। अच्छा जरूर। चले जी गाड़ी में। ये है बेटा, ये नहीं तो इसको लगे लगाए रहने देना। इसको हाइट वैसे भी चाहिए होती है फ्यूल डालने के लिए, वो बाहर भी पंप लेने। ओ यार नहीं यार, इसके अंदर पूरा सिस्टम है, इसको खोलो यार। चलो घुमाओ माड़ा, इसको बाहर निकलेगा। गुड। इसको उठा के नीचे लाएं इधर। अब इसको इधर रखें ना, मैं बताता हूँ। पहले छन्ने जरा तोड़ छोड़ सी। अच्छा ओ यहाँ से खुलना था, यहाँ से। गैस बस बराबर हो गया, नहीं गिरेगा बेटा। गैस बनी हुई होती है। अच्छा एक मिनट इसको निकालना है अब। ये पकड़ना है पात्र की, वो ऊपर वाला ये देखा ढक्कन मुझे, और ढक्कन ऊपर वाला इधर दे, इसके अंदर से इसको ऐसे गुजारें, ये इसको ऊपर वाला लगाएं। मतलब फुल इंग्लिश माहौल। ये करके जब डालेगा ना इसको खोलेंगे, वहाँ से वो एयर लेगा, प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, ये मैंने खोल दिया यहाँ बस। जबरदस्त खोल दिया यार, फुल इंग्लिश। कोरम ये इंग्लिश नहीं है। रात को नींद ठीक आई? रात को बहुत ठंड तो नहीं लगी? नहीं ठंड मुझे तो इतनी गर्मी लगी रात को भी। बात वो बनवाती है जी, कौन सी चक्की का आटा खाते पहले ये तो बताएं। अच्छा जी, पार्टियाँ कुछ ये लेटी हुई हैं, कुछ व्लॉगिंग कर रही हैं, सामान रेडी हो रहे हैं। और ये बॉयज। हाँ जी, हाँ जी फाद भाई, आप कह रहे थे मैंने वो अंडे वाली कड़छी लाई हुई होगी तरह जैसे अंडा। सर वो यहाँ पे हम इसलिए नहीं यूज़ कर रहे, वो मेरे सामान में वो लेक पे होगा, यहाँ पे क्योंकि हमें किचन की चीज़ें मिल रही है तो बेहतर है इन्हीं को यूज़ किया जाए। नहीं है वो कड़छी चाहिए, फिर किसी से अरेंज करवा के दें। सर वो अपना सामान खोलना पड़ेगा ना, बस ठीक है खोल लेते हैं। खोल ले सर, 13,000 फुट की बुलंदी पे हमें भी थोड़ा सा कवर कर लें। ये हमारे रहमान साहब फार्मेसी फ्राम रिजिस्ट फ्राम लाहौर। ये आगे जी हमारे बिलाल साहब जो टिश्यू को इस्तेमाल करते हैं। और ये अंदर नाश्ते की टीम जो है वो जारी है। ये जरा आप सर मुझे दे देना इसको। देखिए हमेशा जो मैनेजमेंट होती है ना वो एक स्टेप ऐसे ही है, सबको खिला दिया ना, अब अपने लिए जितना माल बनना है सही काफी किस्म का मोटा सा ऑमलेट तैयार हो, पता चले कुछ खाए, पता चले कोई नई चीज बनानी है। ये इमरान भाई कोई नई चीज मोटा सा साहब के वासी साहब जैसा ये कड़ा वाला। हेलो जी जय मौलाना साहब, आप वास्ते पाने तो सही थोड़ी बना पाने जैम अच्छी तरह जो है ना, ये जैम तो रखे नाश्ता अंदर कोई तरह के चुमी ले पर नहीं, मैं जैम ब्रेड लगा लेता हूं ना, ब्रेड के साथ लगा लेता हूं, एक स्लाइस बना देता हूं। एक स्लाइस देना मुझे और भाई सिंगल डबल। ये जी सारी गाड़ियाँ लाइन अप हो चुकी हैं, विद इन 5 मिनट्स हम लोग निकल रहे हैं कोरंबर के लिए। वो सामने उसके पीछे है कोरंबर लेक। आज की डेस्टिनेशन हमारी वो है, इंशाल्लाह लेट्स सी हम वहाँ पहुँच सकते हैं या नहीं।